इस नाम में हे जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में हे बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह, यीशु नाम, Ishu naam, 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 Ishu naam
चाहे तुमको दिल से साए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय जिस नाम में है जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam ki jay. Yeshu naam mein milti hai kshama, Yeshu naam mein milti यीशु नाम में मिलती है कृपा यीशु नाम में करना दुआ यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam ki jay. Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam ki jay. Yeshu naam. Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Amen. Praise the Lord. Thank you, Pastor Justin. Thank you, Sony. Prabhu aapko aur bhi aashish de.
प्रिय लोगों, सबको स्वागत करते हैं, सबको जय मसीह। आइए हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन के लिए पास्टर बीओ वर्गीस पास चलते हैं, मुंबई। रोगदास हमारे साथ ज्वाइन हुआ है। आगे का समय प्रार्थना के साथ रहें, पूरा मन लगाकर, पूरा ध्यान लगाकर आइए हम बाइबल का अध्ययन करें। पास्टर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद पास्टर जी। महान परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुतियों का भेंट चढ़ाता हूं। भिन्न भिन्न जगहों से परमेश्वर के वचन के शिक्षण के लिए एकत्रित हुए आप तमाम परमेश्वर के दासों और परमेश्वर के पवित्र लोगों को जय मसीह की। एक नया दिन और प्रभु ने हमारे जीवन के साथ में जोड़ा है कि अब तक हम जो मसीही राहों में हासिल नहीं किए, उन मसीहियत के उच्च अनुभवों को हासिल कर सकें। जिस पवित्रता के स्तर को हमने पाया नहीं अभी तक, उस स्तर को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में इस दिन की नया दान के द्वारा मदद करें। सीधे हम प्रभु की वचनों में चलेंगे। कल भी हमने पवित्र लोगों के न्याय के बारे में देखा, आज हम ये देखने चाहेंगे कि जब न्याय होता है तो फैसला भी तो कुछ होता है, नतीजा कुछ होता है। तो पवित्र लोगों के कामों का न्याय जब होता है तो उनके कामों के अनुसार उन्हें प्रतिफल मिलता है, प्रतिफल मिलता है। तो आज हम ये देखते हैं कि पवित्र लोगों को मिलने वाले प्रतिफल क्या क्या है। रिवार्ड्स फॉर द सेंट्स, पवित्र लोगों के लिए दिए जाने वाले प्रतिफल क्या है। न्याय तो है हमारे, किन किन बातों के कैसे कैसे न्याय होगा तो हमने देखा, और उन न्याय के बाद हमको क्या प्राप्त होगा। जो प्रभु के पास पहुंचेंगे उनके लिए क्या होगा, ये बात है। तो उसमें दो प्रकार की बात, दो प्रकार के प्रतिफल का हमें वचन से सूचना मिलती है। एक है घाटा, नकारात्मक प्रतिफल। दूसरा है पाना, मुनाफा, यानी सकारात्मक प्रतिफल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिवार्ड्स। तो हम पहले देखेंगे नेगेटिव क्या क्या है। जो है हमें जो प्रतिफल मिलेगा उसमें घाटे की बात क्या क्या है। ये जरूरी नहीं है कि सबको मिल जाए, ये सब प्रतिफल हर किसी को मिलना शायद संभव नहीं है, लेकिन कुछ कुछ तो जरूर किसी किसी को तो मिलेगा। हम खुद ही तय करें कि अभी की, अब तक की हमारे जीवन और सेवकाई के हिसाब से हमको क्या मिल सकता है, और अभी आज के दिन भी हम जब जिंदे हैं तो हमारे जीवन को बदलने का अवसर हमें फिर से मिला है, तो हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, जीवन में बदलावट हम ला सकते हैं। तो देखें नकारात्मक तौर पर क्या क्या प्रतिफल मिल सकता है। उसके लिए खास तौर पर जो बताया वो है, पढ़ लीजिए पहला कुरिंथी 3:14-15, पहला कुरिंथियों 3:14-15। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। He shall suffer loss. अगर किसी का काम खाट
घास और भूसे के हैं, नाशवान हैं, तो ऐसों को हानि उठाना पड़ेगा। Such people will suffer loss at the judgment, whose works will be with the perishable things. कल हमने उसके बारे में देखा था, नाशवान चीजों से जिनके जिंदगी और जिनकी सेवकाई बने हैं, ठीक है, नाशवान चीजों से जिनकी जिंदगी और जिंदगी सेवकाई बने हैं, उनको हानि उठाना पड़ेगा, उनको हानि उठाना पड़ेगा, क्योंकि यह क्या है, मजदूरी है, मजदूरी, मजदूरी के लिए तो मजदूरी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, एक आयु भर की मेहनत, मानो परमेश्वर के परख में सही नहीं निकला तो वो ये कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे इधर आपको मालूम होंगे मुंबई में आपूस और अल्फोंसा करके दो प्रकार के आम मिलते हैं, आपूस और अल्फोंसा, वो उसकी अच्छा क्वालिटी एक दर्जन के लिए 12 उनमें से पाने के लिए कभी कभी उसका 1500, 2000, 2500 रुपया तक होता है एक दर्जन आम के लिए, बहुत बड़ा नहीं है, सामान्य आम है, लेकिन पिछले साल तो वो यहां खूब मिला था, 250-300 रुपया दर्जन में मिला, जबकि 2000 के ऊपर जाता है उसका दाम। यहां आम लोगों को उतना अच्छा क्वालिटी मिलता नहीं, मिल जाते हैं 500-600 रुपया में, बिल्कुल लो क्वालिटी का। पिछले साल जब मिला था बहुत सस्ते में और बहुत अच्छा, कारण बताए जाते थे, अखबारों में पढ़े भी होंगे, हमारे भारत से अमेरिका जैसे देशों में इसको भेजा जाता है, एक्सपोर्ट होते हैं, जहाज भर के, पूरे पानी वाला जो जहाज है, जहाज भर के आम या इस तरह की चीजें ऐसे किसी किसी विदेशों में पहुंच जाते हैं, तो वे उनमें से कुछ लेकर के टेस्ट करते हैं, केमिकल या फिर पेस्टिसाइड्स, मतलब आम खराब ना होने के लिए जो दवा, जहरीले दवा लगाते हैं, उन सारी चीजों का टेस्टिंग होता है। अगर वो टेस्टिंग उधर का पास नहीं होता तो पूरे जहाज के जहाज माल वापस भेज देते हैं, चाहे वो वापस यहां लेके आओ, नहीं तो समुद्र में कहीं डुबा दो। देखो, पिछले साल सुना था कि इस प्रकार जहाजों जहाजों में भेजे गए आम, उसमें कुछ केमिकल्स उनके हिसाब से ज्यादा होने के कारण वापस भेज दिया, पूरे की पूरे। देखो, पूरा मेहनत व्यर्थ में गया। इसी तरह हम लोग पूरे आयु भर में यहां मसीह के लिए जीवन बिताते हुए, सेवकाई करते हुए स्वर्ग पहुंच जाते हैं अपना पूरा मेहनत का माल लेकर के, लेकिन परमेश्वर वहां आग की परख करता है, आग से, लेकिन उस परख में अगर उत्तीर्ण नहीं हुए, सफल नहीं हुए, तो उनमें से एक पैसा भी नहीं मिलेगा, पूरा मेहनत जो कुछ भी हमने किया वो सब कुछ व्यर्थ में होगा। इसीलिए यहां कहा है, अगर किसी का काम आग के परख में अगर पराजित हो गए तो उनको हानि उठाना पड़ेगा, उन्हें हानि उठाना पड़ेगा। तो पहला नकारात्मक जो प्रतिफल या मजदूरी पवित्र लोगों को मिलेगा वो ये है, हानि। आप जरा सोच लो, हम जो कुछ भी किए हैं
वो कुछ भी परमेश्वर के हिसाब से सफल नहीं होते तो कितना दुख होगा। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे हैं परीक्षा लिखते समय पन्ने पे पन्ने भरते जाएंगे और बाहर आने के बाद में उनको लगता है कि शायद कुल जितना अंग है उससे ज्यादा मैंने लिख दिया। मतलब अगर 50 में है कुल तो बोलते हैं कि मैं 60-70 के तो लिखा है, 60-70 के तो लिखा, लेकिन क्वेश्चन तो कुल कितने 50 के ही है। तो इतना लिखे और घर आने के बाद में बोलते हैं मम्मी हाथ तो बहुत दुख रहा, क्या हो गया? अरे आज तो मैं ऐसा लिख रहा था कि बहुत बहुत अच्छा पेपर गया आज का। और बाहर आने के बाद भी बच्चे लोग आपस में क्या बोलते, तूने कितना पन्ने भरा है रे, तूने कितना पन्ने भरा? तो बोला मैं 5। अरे तू 5 ही भरा, मैं तो 15 भरा। बाप रे, तो कितना मार्क मिलेगा? लेकिन दूसरा कोई होगा शायद 2 ही पन्ना भरा है, 2 ही पन्ना भरा, उसके परीक्षा सब 1 घंटे में वो ने लिख भी दिया। बोलेगा तू 2, वाह मिलेगा। पेपर मिलते समय 15 वाले का पहले मिला तो वो फेल हो गया, तो दूसरे वाले से बोलता है देखो 15 पन्ने भरने के बाद भी मैं तो फेल हो गया, तो तूने 2 ही पन्ने लिखा तो क्या मिलेगा? लेकिन क्या होता है, पन्ने तो भरे लेकिन पूरे ग्यास ग्यास भर के रखा था, कुछ नहीं था उसमें, कुछ नहीं था, ऐसे ही लिखे। जो सवाल किया था उसका नहीं लिखा और कुछ लिखा। उसने उतना मेहनत किया लेकिन फल कुछ नहीं मिला, हानि हानि। उसी प्रकार मसीह के लिए हमने संसार में रहकर बहुत कुछ किए करते हैं लेकिन परमेश्वर की परख में सफल नहीं हुए तो हमको हानि उठाना पड़ेगा, हानि उठाना पड़ेगा। सब मेहनत में पानी फेरेगा। तो पहला नष्ट, पहला जो प्रतिफल नकारात्मक, वो ये है कि हानि उठाना पड़ेगा, पूरा काम खर्च किया सब कुछ व्यर्थ में, सब कुछ व्यर्थ में। दूसरी बात है, दूसरा तिमोथी 2:15 पढ़िए, दूसरा तिमोथी 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। वहां पर एक सूचना हमें मिलते हैं कि तुम ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयास करो जो लज्जित होने ना पावे। तो उसका मतलब मानो हमारे सभी काम आग की परख में जल जाते हैं, हमको हानि उठाना पड़ता तो उधर हमको क्या मिलेगा? शेम, वहां हमें लज्जा मिलेगा, लज्जा, शर्मिंदे हो जाएंगे, शर्मिंदे हो जाएंगे। तो पहला नकारात्मक प्रतिफल हानि उठाना होगा, दूसरा है लज्जित होना पड़ेगा, शर्मिंदे होने पड़ेंगे। There can be a possibility that we may be put to shame, put to shame। और वहां का लज्जा की एक और विशेषता है, यहां तो कुछ भी हमारे गलत काम कुछ होता भी है तो लोग कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। कितने भी गंदे काम कोई करें कुछ समय के बाद में भूल जाते हैं और उनको स्वीकार करने लग जाते हैं। लेकिन स्वर्ग में जब हम पहुंचेंगे वहां भुलक्कड़पन नहीं होगा, वहां तो भूलने की तो सवाल ही नहीं है। और वहां की स्थिति तो यूं ही रहेगा, यहां की स्थिति में तो बदलाहट है, बदलाहट है।
ऐसे मैंने कई सारे अपराधियों के बारे में पढ़ा हूं किताबों में, देश विदेश में, कि जो काफी कुछ अपराध किए, पकड़ाए गए, जेल काटने के बाद, नहीं तो जेल काटते काटते में उसने अपना नाम को बदल दिया। अभी हमारे भारत में भी हैं, अभी कुछ दिन पहले जो 4 लोगों को फांसी दिए थे निर्भया के हत्यारों को, उनमें से एक लड़का 18 साल पूरा नहीं हुआ था जब उसके वो अपराध हुआ था, तो उसको फांसी की सजा नहीं मिला। कृपया धीरज रखें, जल्दी ही प्रभु का दास वापिस आ जाएंगे। लाइट जाने से इस प्रकार का परेशानी होता है। सॉरी, कुछ वापस आ गया। ओके, कनेक्शन खराब, कनेक्शन छूट गया था। तो वो जो 18 साल का नहीं हुआ था उस समय, तो उसको कुछ दिन की सजा देकर छोड़ दिया। तो उसके बारे में मैंने अखबार में पढ़ा, वो कहीं जाके होटल वोटल में काम कर रहा है उसका नाम बदल के। आत्मी वही है जो निर्भया की हत्यारों में से मुख्य आरोपी वो छोटा लड़का था, लेकिन उम्र के एक हल्की सी बात में वो फांसी से बच गया, अभी छूट गया, स्वतंत्र है, कहीं जाके काम कर रहा है वो, लेकिन उसने नाम पता सब बदल दिया। तो नाम बदल के वही आदमी कहीं जाके नौकरी कर रहा है, पता नहीं चलता। संसार में, संसार की तो बात वही है, चाहे वो कल जाके पुलिस भी बन जाए तो शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन स्वर्ग में बात वो नहीं है। वह भुलक्कड़पन तो नहीं है, भूलने की तो सवाल ही नहीं। इसीलिए क्या होता है, जब वहां प्रतिफल हमें घाटा होता है, काम जब जल जाती है, तब हमें जो हानि उठाना पड़ेगा उसका तो याददाश्त लोगों को हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। इसीलिए हमेशा की एक शर्मनाक स्थिति में रह सकता है, तो हमें शर्मिंदे नहीं होना पड़े। और तीसरी बात है, उसी 2:5 में पढ़िएगा, 2:5 दूसरा तिमोथी 2:5। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। तो यहां पर है लॉस ऑफ क्राउन्स, लॉस ऑफ क्राउन्स। अगर अखाड़े में लड़ने वाला विधि के अनुसार ना लड़ते तो मुकुट नहीं पाता। तो हमारे काम अगर परमेश्वर की आग की परख में जल गए, कारण क्या है, परमेश्वर की विधि के अनुसार हमने जिया नहीं, सेवा नहीं किया। अगर परमेश्वर की विधि के अनुसार हमने वो आध्यात्मिक मल्लयुद्ध नहीं लड़ा अखाड़े में, तो बस हमें भी यही होगा, मुकुट नहीं मिलेगा, लॉस ऑफ क्राउन्स, मुकुट नहीं मिलेगा। और चौथी बात, चौथे नकारात्मक प्रतिफल स्वर्ग में भी प्राप्त किए जा सकें, वो हैं मत्ती 5:19। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा
और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। अगर हमारे कामों का घाटा होगा तो हम स्वर्ग पहुंचे भी तो स्वर्ग में सबसे छोटा कहलाएगा। Will have to be satisfied with the least position in the kingdom of God. Will be awarded with the least position in the kingdom of God. ऐसे लोगों को जिनका काम आग की परख में सफल नहीं हुए, पार नहीं हुए, उनको स्वर्ग में छोटा किया जाएगा। तो स्वर्ग में स्थान पृथ्वी पर ही तो हम देखते हैं कि अगर होना है तो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, उनसे कम क्या होना है? राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री होना है, होते तो नहीं तो फिर उससे कम क्या होना है? ये विचार है पृथ्वी पे। लेकिन स्वर्ग में जब जाएंगे तो मानो सबसे छोटा किए जाए तो क्या होगा? हम लोग तो एक ही चर्च में गए, वहां सब लोग कुछ कुछ कुर्सियां पड़े हैं, देखा तो सब कुर्सी भरे हैं, फिर आगे एक चटाई बिछाया है, वहां जाके बैठना है। हम तो सीधे सीधे चटाई से चटाई की तरफ में नहीं बढ़ेंगे, हम मुंबई में लोकल ट्रेन में चढ़ने वाले, अभी तो बंद है लोकल ट्रेन, वैसे लोकल ट्रेन में चढ़ने वाले लोग हो या ना हो, बड़े हंगामा करके चढ़ते हैं अंदर और दौड़ कर अंदर जाते हैं और हर जगह ऐसे देखते हैं कोई सीट खाली है क्या। अगर सब सीट खाली पड़े हैं तो ये एक एक सीट के पास जाएंगे, इधर बैठू इधर बैठू इधर बैठू करके। कुछ लोग ऐसे हैं कहीं बैठने के बाद फिर उठ के दूसरे जगह पे जाते हैं, लेकिन जब भीड़ है तो ऐसे आते हैं, देखते हैं जगह। उसी प्रकार चर्च के अंदर भी जब लेट आते हैं तो हम देखते हैं, कन्वेंशन में लेट जाते हैं तो देखते हैं कौन सा कुर्सी खाली है, और जब देखते हैं कि एक भी कुर्सी खाली नहीं, आगे चटाई में जाके बैठना होगा, शायद नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे होंगे उधर, हमारी इज्जत तो हमें अनुमति नहीं देते जाके बच्चों के साथ बैठने के लिए, तो हम पीछे जाकर खड़े हो जाएंगे, कुछ लोग बाहर जाके खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे मैं तो खड़ी रहूंगी, आगे जाके बच्चों के साथ बैठने से अच्छा तो यही। देखो उधर भी नीचे बैठने, कुछ लोग ऊपर बैठे हैं तो वहीं नीचे बैठना हम अनादर की बात समझते हैं, छोटे किए जाते हैं समझते हैं। तो स्वर्ग में अपन सीट बदल ही नहीं सकते, वहां जिद नहीं कर सकते, मोबाइल लेकर के अब भी मैं आता हूं कॉल आया करके बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसी जगह पे परमेश्वर हमको वही स्थान दे दे जो नीचा और छोटा, उधर भी तो हमें हानि उठाना पड़ेगा, लज्जित होंगे, छोटे कहलाएंगे। ये नहीं होना कि हम छोटे कहला सकें और एक और बोल करके उस नेगेटिव को मैं छोड़ देता हूं। रोमियो 14 का 10 से 12 तक, रोमियो 14 10 से 12 तक। या तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सबके सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। उसके साथ ही साथ में पहला कुरिन्थियों 4 का 5 पिछले दिनों में हम लोग पढ़े थे, फिर भी एक और बार, इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी।
देखिए इन दोनों जगहों पर हमारे सभी बातें परमेश्वर खुलासा करेंगे। अभी तो परमेश्वर हम पर दया करके हमें शर्मिंदा होने लायक कामों को प्रकट नहीं किया है। परमेश्वर ने हमसे दया किया और हमारे शर्मनाक चीजों को प्रभु ने प्रकट अभी तक नहीं किया। लेकिन उधर तो कोई दया नहीं होगा। मैंने पहले बोला था न्याय होता है, दया करुणा प्रेम तरस ये कुछ नहीं। वहां तो सच्चाई न्याय धर्म यही सब बातें होगी। वहां पर परमेश्वर हमारे सब के सब कामों को प्रकट करेंगे तो कुछ तो इतने शर्मनाक चीज होंगे। तो वहां वी विल बी मेड लोअर, हम छोटे किए जाएंगे, मेड लोअर, लीस्ट पोजीशन। चौथा और पांचवा लगभग एक जैसा लगता है। तो चौथा वाला है कि हमारे स्वर्ग में स्थान सबसे छोटा कहलाएगा। और यहां तो शर्मिंदे होने के कारण बिल्कुल हम छोटे किए जाएंगे। दूसरा कोई करने की जरूरत नहीं, हम खुद ही हो जाएंगे, क्योंकि ये सब हमारे गुप्त बातों का खुलासा होगा तो अपने आप छोटे हो जाएंगे। तो इस प्रकार कम से कम ये पांच प्रकार के नकारात्मक प्रतिफल, नकारात्मक मजदूरी हमें मिल सकती है। लेकिन प्यारों, हम में से किसी को ऐसा प्रतिफल से हाथ धोना पड़े या उसी से हमें संतुष्ट होना पड़े, ऐसा ना हो। तो आइए हम देखेंगे व्हाट आर द पॉजिटिव रिवार्ड्स, सकारात्मक तौर पर हमें क्या क्या मिल सकते हैं, उन बातों को हम देखते हैं। उनमें से एक है, पहला है क्राउन्स, मुकुट। हमें मालूम है मुकुट सिर पे पहनाए जाने वाला आदर का एक प्रतीक है, ठीक है। तो विशेष तीन प्रकार के मुकुट बताया जाता है, विशेष प्रकार के मुकुट। वीडियो स्टॉप आई कर लो। तो तीन प्रकार के मुकुट में एक है रॉयल क्राउन, राजकीय राजाओं के मुकुट। दूसरा है प्रीस्टली क्राउन, याजकों के मुकुट। और तीसरा है विक्टर्स क्राउन, जयवंतों के मुकुट। तो तीन प्रकार के मुकुट, समझ में आ रहा ना? आपने पांच छह प्रकार के सुने होंगे तो थोड़ा सा शक आ गया होगा, ये बाकी तीन कहां गया? तभी तो तीन ही है, फिलहाल तो अपन इसी में रहें। तो मुकुट को विशेष तीन प्रकार के हम समझे जा सकते हैं। एक है राजा लोगों के मुकुट है, रॉयल क्राउन्स। दूसरे हैं याजक लोगों के मुकुट है, प्रीस्टली क्राउन्स। और तीसरा है विक्टर्स क्राउन्स, जयवंत होने वालों के, फतेहमंदों के क्राउन। देखिए व्यवस्था विवरण 28 का 35। Deuteronomy 28:35 व्यवस्था विवरण। तेरे घुटनों और टांगों से वरन नख से शिख तक भी असाध्य फोड़े निकालकर तुझको पीड़ित करेगा। 28:35 हाँ जी, हाँ यही लिख, यहोवा तेरे घुटनों, हाँ पढ़िए पढ़िए एक बार आप।
यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख में शिक तक भी असाध्य फोड़े निकालकर तुझको पीड़ित करेगा। यहोवा तुझको उस राजा समेत जिसको तू अपने ऊपर ठहराएगा तेरे और तेरे पूर्वजों के लिए अनजानी एक जाति के बीच पहुंचाएगा और उनके मध्य में रहकर तू काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना और पूजा करेगा। वहां पर बताया है क्राउन ऑफ हेड, वहां पर एक शब्द जो इस्तेमाल हुआ है उसी के लिए हमने उस पद को पढ़ा है कि तेरे कहां से कहां तक फोड़ों से भरेगा, केवल घुटनों और पैरों पर ही नहीं परंतु सिर तक। हाँ, तो उस प्रकार जो बताया क्राउन ऑफ हेड वो एक शब्द दिया है। और दूसरा निर्गमन 25 का 11 में लिखा है दूसरे एक मुकुट के बारे में, और उसको चौखट सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना। एनसर्कल द हेड, ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, तो चारों ओर बनाने वाले। तो इस प्रकार कई प्रकार के मुकुटों के बारे में बताया। पहला इतिहास 20 का 2 में है राजाओं के मुकुट के बारे में, और लेवी व्यवस्था 8 के 9 में है याजकों के मुकुट के बारे में, एज ए सिंबल ऑफ डेडिकेशन, नेजेर करके इब्रानी शब्द का अनुवाद है। लेवी व्यवस्था 8 का 9 में प्रीस्टली याजकों के मुकुट के बारे में है और राजाओं के मुकुट के बारे में है पहला इतिहास 20 के 2 में। लेकिन अभी उन बातों में हम नहीं जाएंगे, हम तो ये देखेंगे कि हमें पवित्र लोगों को प्रतिफल के रूप में मिलने वाला मुकुट कौन सा है। उसमें हमें जाना है वो ये है, उसमें हम जब देखा जाते हैं तो 2-3 प्रकार के जो मुकुट होते हैं उसमें एक है स्टीफनोस करके कहते हैं, स्टीफनोस करके वो यूनानी शब्द है मुकुट के लिए दिया गया। तो स्टीफो एक मूल पद है, स्टीफो। तो पहला हम देख रहे थे कि स्टीफनोस करके एक मुकुट के नाम है। तो स्टीफो एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब है घेरना, एनसर्कल घेर लेना। तो उसमें ये है कि ये जो स्टीफनोस करके जो बताए जाने वाले मुकुट खास तौर पर 2 रीति में दिए जाते हैं। एक है जयवंत लोगों के लिए दिए जाते हैं, किसी भी प्रतियोगिता वगैरह में जब जीत पाते थे, विशेषकर नया नियम पौलुस प्रेरित लिखते समय यूनानी संस्कृति थी ओलंपिक्स, तो खेल कूद होते थे उनमें जो जय होते हैं जय पाते हैं। और पुराना एक खेल है गोदे में कुश्ती लड़ना, पौलुस उसी के दृष्टांत बहुत दिया है, अभी भी हमने पढ़ा दूसरा तिमोथियुस में से। तो उस प्रकार जो जय पाते हैं उनको दिए जाने वाले मुकुट का नाम था स्टीफनोस, जो फतेहमंदों के लिए दिए जाते थे। और दूसरा एक था उस स्टीफनोस का ही, दूसरा एक मतलब यह था एक सामाजिक आदर के प्रतीक में दिए जाते थे, समाज में पब्लिक में ऑनर करने के लिए, पब्लिक ऑनर एज ए सिंबल ऑफ पब्लिक ऑनर, कि सामाजिक आदर के प्रतीक में
ये जो स्टीफनोस दिए जाते थे। तो हमको भी जो जय पाते हैं मिलने वाला मुकुट का यही नाम है स्टीफनोस, जयवंतों को मिलने वाला मुकुट, और उससे स्वर्गिक त्रिएक परमेश्वर, अनगिनत स्वर्गदूत और अनगिनत गिनती से परे पवित्र लोग, इन सबके सामने जब वो मुकुट पहनाया जाता है तो उस व्यक्ति का आदर हुआ करता है, आदर किया जाता है। तो प्यारों, जब हम परमेश्वर के लिए यहाँ काम करें, परमेश्वर के वचन के व्यवस्था के अनुसार, विधि के अनुसार हम आध्यात्मिक जिंदगी बिताएं, तो हमेशा हमें इस उम्मीद कर सकते हैं कि हमको ये स्टीफनोस मिलेगा, हमें जयवंतों का मुकुट मिलेगा और उससे हमारी आदर समाज में किया जाएगा। लिखने वालों के लिए मैं कुछ रेफरेंस बोल देता हूं। पहला कुरिंथियों 9:25, दूसरा तिमुथियुस 4:8, पहला पत्रस 5:4, फिलिपियों 4:1, पहला तिसलोनिकियों 2:19, प्रकाशित वाक्य 2:10, 3:11, 4:4 और 10। इन हर जगह पे स्टीफनोस शब्द दिया गया है, स्टीफनोस शब्द दिया गया है। और हमको जो मिलने वाला स्टीफनोस ना ही याजकों के हैं ना ही राजाओं के हैं, ठीक है। हमारे लिए जो दिए जाने वाले मुकुट, प्रतिफल में दिए जाने वाले मुकुट, ना राज मुकुट है ना ही याजकों के मुकुट है, परंतु हमको कौन सा मुकुट मिलेगा? जयवंतों के मुकुट मिलेगा, ठीक है ना। हमको मिलने वाले मुकुट जयवंतों के मुकुट, स्टीफनोस मिलेगा हमको, स्टीफनोस मिलेगा। और उस प्रकार हमें मिलने वाले 5 मुकुट के बारे में बाइबल बताते हैं। प्रतिफल में हमें मिलने वाले 5 प्रकार के स्टीफनोस, 5 प्रकार के मुकुट। पहला, द क्राउन ऑफ जॉय, प्रशंसा किरीटम എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും, പ്രശംസാ കിരീടം। ഹിന്ദി മേ ദേഖിയ ക്യാ ഹൈ, ഫിലിപ്പിയോ 4 കാ പഹലാ, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद का मुकुट, आनंद का मुकुट, हाँ, जॉय, आनंद का मुकुट। किसको मिलेगा आनंद का मुकुट? किसको मिल सकता है? किसको मिलने वाला है आनंद का मुकुट? यहां पौलुस बोलता है, तुम मेरे आनंद का मुकुट है। कौन? फिलिपियों के विश्वासी। कौन है फिलिपियों के विश्वासी? पौलुस के द्वारा उद्धार में लाए गए लोग। ऐसे हैं तो आनंद का मुकुट किसको मिलेगा? सुसमाचार सुनाने और आत्माओं को जीतने वालों के लिए मिलने वाले मुकुट है।
आनंद का मुकुट। आप में से कोई मतलब काफी लोग हैं माता पिताएं हैं, आप माता पिताएं हैं, वो भी जब पहली बार आप जब मां या बाप बन रहे थे, आपके पहला बच्चा का जन्म के समय में आपकी खुशी का जरा याद करके देखो। मुझे भी हैं, परमेश्वर ने दान स्वरूप दो बेटे दिए हैं, तो उनके साथ में खेलता कूदता मारता पीटता सब करता हूं। वे लोग कभी सो भी रहे होंगे तब भी मैं उनकी बिछौने के पास जाकर कभी कभी बैठता हूं, उनकी तरफ मैं देखता हूं, कभी हाथ फेरता हूं। मैं परमेश्वर को बोलता हूं, परमेश्वर इन बच्चों को आप मेरे जीवन में, हमारी पारिवारिक जीवन में देने के लिए धन्यवाद। आनंदित होता हूं माता पिता अपने बच्चों के वास्ते। जब अपने बच्चे पैदा होते हैं तब है, खेलते कूदते तब है, पढ़ाई में ऐसे एक एक स्तर बढ़ते जाते तब भी कितना आनंद होते हैं। और जब अपने बच्चे उच्च स्तरीय अनुभवों में पहुंचते हैं तो कितने आनंद होते हैं। कल केरल में कैलिकट जिला का सब कलेक्टर बनकर के एक लड़की ने चार्ज लिया, जिनके घर में बत्ती नहीं है, जो एक आदिवासी है, तो आदिवासियों में से केरल में सबसे पहले IAS पास होने वाली लड़की वो है। मजदूरी करके घर घर में बर्तन मांझ के ऐसे वैसे काम करके उसको पालने बढ़ाने पढ़ाने वाले माँ बाप की आनंद की क्या कहना है। अभी कभी कभी हमारे टीवी अखबारों में दिखाते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब के माँ के बारे में। कभी कभी मोदी जी अपने माँ के पास में जाते हैं, माँ कभी कभी प्रधानमंत्री तो है लेकिन माँ तब भी कुछ खाना वाना उसको उनको खिलाते हुए वीडियो आपको देखने को मिलेगा, यूट्यूब में पड़े हैं। तो वो माँ की खुशी कितना ज्यादा होगी। अगर ऐसे हैं तो प्यारों, इसी संसार में हमने सुसमाचार सुनाया, अगर कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो कितना आनंद होगा। अभी जैसे मैं कई बार बोला है, MB में सारणी कलिसिया से काफी लोग, अभी काफी परिवारें इसमें शामिल है, अभी सब प्रभु की सेवा कर रहे हैं। जब मैं वहां रहता था सब नौकरी करने वाले नहीं तो ऐसे सेवकाई में नहीं थे, तो हम सब मिलके गांव गांव में जाते थे सुसमाचार सुनाने। वहां करीब 70-80 किलोमीटर के जो है चारों तरफ में ऐसे कोई गांव नहीं रहे हम लोग नहीं गए हैं। उन गांवों में एक घर ऐसा नहीं जहां हम प्रभु के वचन लेकर नहीं पहुंचे हो, और उतने दूरी में ऐसा एक व्यक्ति नहीं जिससे हमने सुसमाचार नहीं सुनाया हो। हमारे नजर में जो भी पड़े हर किसी को सुनाया, लेकिन हम लोग जो गांव गांव में जाते थे, लेकिन हम रो रो के वहां से वापस आते थे। हमको स्वीकार सभी करते थे, शायद एक या दो जगह पे कुछ विरोध हुआ था, बाकी कहीं विरोध नहीं हुआ था, लेकिन हम वापस रो रो करके इसलिए आते थे। हफ्ते में दो दिन हम लोग जाते थे, सुबह से लेकर शाम तक, मतलब 12-13 घंटे हम लोग गांव में बिताते थे। लेकिन स्वर्ग नरक के फर्क नहीं जानने वाले लोग थे,
प्रभु के बारे में सुनाते रहे सुनाते रहे सुनाते रहे, आखिर में पूछे समझ में आ गए, बोला हाओ यीशु मसीह पर विश्वास है, हाओ 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 तो बोलते थे, तो मुझे लगा कि कुछ नहीं आया उनको समझ में, इसलिए मैंने बच्चों से बोला कि आप थोड़ा रुको मैं पूछता हूं। मैं पूछा, पूछते पूछते मैं आखिर में मैंने पूछा स्वर्ग जाना है, बोला हाओ, और पूछा नरक जाना है, बोला हाओ हाओ। मतलब स्वर्ग जाना है तो बोला हाँ जाना है, नरक जाना है बोला पक्का जाना है। स्वर्ग और नरक का फर्क उन्हें नहीं मालूम। हमने जितना हमसे हो सके उतना निचले स्तर में जाके लोगों को वचन सुनाया। मैं इसलिए रोता था गांव में, हमारे आंसू और पसीने पड़े हैं उन गांवों में, इसलिए रोते थे कि प्रभु अब हम कैसे सुनाएं, हम जाने के लिए तैयार है। 20-25 जवान हमारे साथ रहते थे, उनमें से कुछ है अभी ये लोग जो बैठे, हनोते हो गए, प्रकाश सोनारे हो गए, रूपेश नागले हो गए, और भी लोग थे, ये लोग सब, इन सब जवानों को लेकर मैं जाता था। रोते थे हम लोग, अब क्या करूं प्रभु कैसे सुनाएं, बिल्कुल उम्मीद नहीं थे। लेकिन अब हमें पता चलता है जहां नरक पक्का जाना है करके बोलने वाले उन्हीं गांवों में से कुछ लोग सेवकाई में निकले हैं। अभी हमारे बाइबल स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आए थे 2-4 साल पहले, तब मैंने उनके एड्रेस देखा तो फलाने जगह से पूछा तो उसी गांव में से जहां मैंने अनुभव बताया, एक अंदरूनी आदिवासी गांव है, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर अब कई गांवों में, कल भी उनमें से एक से मेरा बात हुआ, बोला कि सर आप अभी आ जाओ, आप लोग जो गए हर गांव में एक एक दो दो विश्वासी परिवार है भी, उनमें से मेरे जानकारी में हमारे साथ सेवा करने वाले 3 लड़के निकले, और हमारे एक मास्टर जी थे वहां, वो भी इन्हीं में से एक गांव में सेवकाई कर रहा है। देखो आत्माएं जीत जाते हैं तो हमारे अंदर क्या आनंद होता है। जब से मैंने कल ये सुना तब से मेरे अंदर ये उछलन हो रहा है कि लॉकडाउन सब जरा खत्म हो जाए तो मुझे मौका मिले उन गांवों में फिर जाकर के जरा देखूं। पहले जैसे कम से कम किसी कोने में खड़ा होकर ताली बजा के गाना गाऊं यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के। देखिए सुसमाचार सुनाते या लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करते, आपकी प्रार्थना आपके उपवास और आपके सुसमाचार के कार्यों के कारण अगर कोई प्रभु में आते हैं वे ही आपके लिए आनंद का मुकुट बनकर के रहेंगे। आप ये मत सोचो शायद आपके सिर पे कुछ मुकुट रखेगा, वो नहीं होगा शायद, क्योंकि हमें समझाने के लिए मुकुट मुकुट करके बताया है। ये जरूरी नहीं कि सिर पे लगा करके दे दें। हमको मिलने वाले दूसरे के मुकुट में आखिर में बताऊंगा। बाकी ये जो आनंद का मुकुट बोले तो आनंद का मुकुट करके लिख करके नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे द्वारा प्रभु में आए हुए लोग सब जब स्वर्ग में मिलेंगे तो क्या ही आनंद होगा प्यारों, क्या ही आनंद होगा, उसका कोई सीमा नहीं, उसका बयान नहीं कर सकता। इसलिए पहला मुकुट जो हमें मिलने वाला है वो है आनंद का मुकुट। किसको मिलेगा? सुसमाचार के सेवा में लगे रहने वाले पास्टर या विश्वासी जो लोगों को उद्धार में ला सके, तो जॉय एंड ग्लोरी, आनंद और महिमा उसमें मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो
पास्टर ही होना कोई जरूरी नहीं है, सेवक होना कोई जरूरी नहीं है। आप अपनी नौकरी की जगह पर भी प्रभु के बारे में सुनाइए, लोगों को प्रभु में लाइए। प्रभु में लोगों को लाने वाले हर किसी को मिलने वाला मुकुट कौन सा मुकुट? आनंद का मुकुट। दूसरा, द क्राउन ऑफ इनकरप्टिबिलिटी या इम्पेरिशेबल क्राउन। पहला कुरिन्थियों 9:25, पहला कुरिन्थियों 9:25, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा, पहला कुरिन्थियों हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हाँ, ना मुरझाने वाला मुकुट, ना मुरझाने वाला मुकुट, इम्पेरिशेबल या इनकरप्टेबल क्राउन। यहां पौलुस ने बोला वही लड़ने की, मुक्का लड़ने की, रेसलिंग और रनिंग रेस, दौड़ और लड़ाई की, उसे दृष्टांत से लेकर पौलुस ने बताया किसको मिलता है मुकुट। यहां दौड़ को, पहला पहुंचने वाला विजेता को, और रसलर्स में, कुश्ती लड़ने वालों में किसको मिलता है? विधि के अनुसार लड़ने और जीतने वाले को मिलता है। तो उनको तो मुरझाने वाले मुकुट मिलता। उस समय पौलुस के समय में ऐसे सोना चांदी वाला नहीं था, लेकिन पत्तों से आप देखते होंगे गुलदस्ते। हम लोग भी कहीं कहीं यहां तक गांवों में भी पहुंचते हैं तो हमको भी गुलदस्ते देते लोग, लेकिन क्या करें, हम किसी गांव में या दूर कहीं जाकर सेवकाई करते हैं, देने वाले गुलदस्ते लेके घर पे नहीं ला सकते, उससे पहले मुरझा जाते हैं, इसलिए मिलते हैं वहीं छोड़ के आ जाते हैं। हम लोग मुरझाते हैं, लेकिन पौलुस ने बोला हमको मिलने वाला मुकुट मुरझाने वाला नहीं, मुरझाने वाला नहीं, ना मुरझाने वाला मुकुट किसको मिलेगा? फॉर द विनर्स, जय पाने वालों को मिलेगा, जय पाने वालों को। किसमें जय पाना है? दो प्रकार की चीज, एक है रनिंग रेस, दौड़ में विजय पाना, दौड़ के मैदान में। दौड़ का क्या मतलब है? यीशु मसीह तक हमारी जिंदगी को पहुंचाना है, बीच में पीछे नहीं हटना, पाप में गिरना नहीं, यीशु मसीह से दूर नहीं जाना। जब तक यीशु मसीह में हम न पहुंचे, तब तक निरंतरता से हम चलते रहें। यह है दौड़ को पूरा करना। मसीही जिंदगी को दर्शाता है दौड़। Running race means Christian life. Complete the Christian life in a victorious way. एक जयवंत तरीके से मसीही जिंदगी को आप निभाते रहें, बिताते रहें। मसीही जीवन के दौड़ को रोकने वाली बहुत से चीजें आपकी जीवन के राहों में आएगी, लेकिन उन सारे चीजों को हमें दूर करके आगे दौड़ते चले जाना है, दौड़ते चले जाना है। इसीलिए हमें बिल्कुल मसीही जिंदगी में आलसी नहीं होना, मसीही जिंदगी में हमें उदास नहीं होना। कई बार हम तो थक जाते हैं, हम बस कर देते हैं, बोलते छोड़ो, रहने दो, इतना दौड़ा क्या फायदा मिला, क्या मिला, अब स्वर्ग नरक की बात भी क्या पता हो कि नहीं, छोड़ो, कम से कम इधर तो जियो बड़े आराम से।
बहुत से लोग आधे रास्ते पे मसीही जिंदगी को छोड़ दिए, त्याग दिए। हमने मसीह के आगमन के लिए तैयारी करने के विषय में सीखा तो आखिरी में इब्रानियों 10 अध्याय से सीखे थे हमको पीछे नहीं हटना है। 10 अध्याय इब्रानियों में प्रेरित ने बोला था हम पीछे हटने वालों में नहीं, 37 के आसपास में, कि हम पीछे हटने वालों में नहीं परंतु हम विश्वास में स्थिर रहकर जय पाने वालों में, जीवन पाने वालों में हैं, जीवन पाने वालों में हैं, कि हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं, मतलब बने रहने वाले हैं विश्वास में कि अपने प्राणों को बचाएं। जो जिंदगी की तमाम कठिन परिस्थितियों के बीच में भी विश्वास में स्थिर रहते हुए मसीह के उपस्थिति तक पहुंचने वालों को मिलने वाला मुकुट है, ना मुरझाने वाले मुकुट, अपने दौड़ को पूरा करने वालों को मिलने वाला मुकुट। और दूसरा है रसलर्स, कुश्ती लड़ने वाले। हम एक ही समय में दौड़ के मैदान में भी है और कुश्ती की गोदा में भी है। कुश्ती के वो जो क्या बोलते हैं पहलवानी करने की जगह पे रिंग में है, उधर तो हमको शैतान से, पाप से, स्वार्थ से, स्वयं से सब लड़ना है। इन सारे चीजों से, पाप, अशुद्धता, शैतान और शरीर, इन सब की अभिलाषा, वासना, इन सारे चीजों से लड़ते लड़ते हुए हमें जयवंत होना है। उस प्रकार जो जय पाए उनके लिए क्या मिलेगा, कौन सा स्टीफनोस मिलेगा? ना मुरझाने वाले मुकुट। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके लिए हम आगे बढ़े और उसमें 9:25 में हम पढ़े थे, वैसे 23-27 तक है, आप लोग बाद में पढ़ के देख लेना। पहला कुरिन्थी 9:23 से आगे की पदों में है, लेकिन यहां हम जो 25वां पद में पढ़े थे, जो पहलवान संयम रखता है वो पहलवान को मुरझाने वाले मुकुट मिलता है। तो ये न मुरझाने वाले मुकुट प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? संयम रखना भी बहुत जरूरी है। संयम आत्मा का एक फल के रूप में भी बताया गया है, तो हमें संयम करना है। संयम करोगे, आखिरी तक बने रहोगे, पाप और शैतान की तमाम शक्तियों से लड़कर जीत पाओगे, तो ऐसों को मिलेगा ना मुरझाने वाला मुकुट। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा मुकुट वो है धार्मिकता का मुकुट, क्राउन ऑफ राइटियसनेस, धार्मिकता का मुकुट। दूसरा तिमोथी 4:8 भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। क्राउन ऑफ राइटियसनेस, धर्म यानी धार्मिकता का मुकुट किसको मिलेगा? 4 बात यहां पौलुस ने बताया, ये धार्मिकता का मुकुट किसको मिलेगा? जो अच्छा कुश्ती लड़ते हैं, जो अपने दौड़ को पूरा करते हैं और विश्वास की रखवाली करते हैं और यीशु मसीह के आने को प्रिय जानते हैं, ये 4 प्रकार के लोगों को मिलने वाला मुकुट है धार्मिकता का मुकुट। उसमें खास है प्रभु के आगमन की बाट जोना, प्रभु के आगमन को
प्रिय जानने वालों के लिए, प्रभु के आगमन को प्रिय जानने वालों के लिए रखा गया मुकुट है धार्मिकता का मुकुट। ये धार्मिकता का मुकुट प्रभु के आने को प्रिय जानते, मसीह की आगमन की बाट जोते उनके लिए। जब प्रभु के आगमन की बाट वे जोते रहते हैं तो वे अच्छे कुश्ती लड़ेंगे, अपने दौड़ को पूरा करेंगे और विश्वास की रखवाली करेंगे, विश्वास की रखवाली करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आखिरी दम तक विश्वास में बने रहने वाले लोग, बने रहने वाले लोग, तो हमें मसीह की धार्मिक धर्ममय न्यायी धार्मिकता का मुकुट देंगे हमको। प्रेज गॉड। अगर ये कुछ अपनी जिंदगी में नहीं, किसी भी तरह स्वर्ग पहुंच भी जाए तो भी ये कुछ नहीं मिलेगा अपन को। बिल्कुल याद रखना उस बात को, ठीक है। ये है तीसरा मुकुट। और चौथा मुकुट क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन का मुकुट, जीवन का मुकुट, जीवन का मुकुट। याकूब 1:12, याकूब 1:12, मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। यहां पर जीवन का मुकुट किसको मिलेगा? जो परीक्षा में स्थिर रहता है और परीक्षा में जय पाता है। परीक्षा में स्थिर रहकर जय पाने वालों के लिए दिए जाने वाला है जीवन का मुकुट। परीक्षा उनके जीवन में ऐसे हो गए थे जो अपने जान भी शायद गंवाए, जान तक छोड़ने के लायक अवस्था में वो परीक्षा को झेला, अजमाइशों में पड़े, लेकिन तब भी वो प्रभु से विश्वास योग्य बना रहा, वो विश्वास को नहीं त्यागा। तो वो चाहा प्रभु में मैं पहुंच जाऊं। ऐसे विजेताओं को मिलने वाला मुकुट, जीवन देने तक की परीक्षाओं में भी विश्वास न त्यागा। जीवन भले त्याग दूं मगर विश्वास नहीं त्यागूंगा, जीवन भले मैं त्याग दूं मगर प्रभु को नहीं त्यागूंगा। तो अपने जीवन से भी परमेश्वर को मूल्यवान समझने वाले एक अवस्था, ऐसों को मिलेगा जीवन का मुकुट। और एक और है जीवन का मुकुट किसको मिलेगा? बपतिस्मा लिए हुए सबको शायद याद होंगे। बपतिस्मा के बाद में पास्टर ने क्या बोला? सिर पे हाथ रखकर जीवन देने तक विश्वास योग्य बना रह या बनी रह तो जीवन का मुकुट तुम्हें भी मिलेगा। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 2:10, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम्हें से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जान देने तक विश्वासी रह। यहां पर फिर से वही बात, याकूब वाली बात, कब तक तुम रहे परीक्षा में और तुम 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा प्राण देने तक। फिर से दिखाओ ने पासे जी, प्राण देने तक विश्वासी रह। उधर भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से बताया है कि तुमको दुख उठाना पड़ेगा, दुख तुझको झेलने होंगे,
तो दुख झेलना, परीक्षा में पड़ना, प्राण देने तक विश्वासी बने रहना, उनको जीवन का मुकुट मिलेगा। तो जीवन का मुकुट मिलने वाले, बस जीवन का मुकुट मिलने वाले दो झुंड, पहला विश्वास योग्य अंत तक बने रहने वाले, दूसरा शायद विश्वास के लिए जान भी देना पड़े, शहीद होना पड़े। तो परीक्षा में स्थिर रहकर जीतने वाले और मसीह के लिए शहीद होने वाले पवित्र लोग, उनको मिलने वाला मुकुट है जीवन का मुकुट, जीवन का मुकुट। प्रेज गॉड। अब एक और पांचवा, उसके लिए शायद अभी समय नहीं है तो मैं उसमें जाता नहीं। कोई बात नहीं मास्टर जी, कोई बात नहीं, आप जारी रखें। अगर फिर से ज्वाइन होना पड़े तो ज्वाइन हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो ठीक है, इसको मैं बोल करके समाप्त कर देता हूं जी। बस की विवरण में कल दूंगा। वो है पांचवा मुकुट जो हमें मिलने वाला है, वो है महिमा का मुकुट, क्राउन ऑफ ग्लोरी, क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा का मुकुट। पहला पत्रस 5:4, पहला प्रधान 5:4, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। यहां महिमा का मुकुट किसको मिलेगा? पास्टरों, आप लोगों के लिए है। परमेश्वर की भेड़ों की रखवाली करने वाले पास्टरों के लिए, वो भी फॉर गुड पास्टर्स एंड एल्डर्स, जो प्रभु की कलीसिया की रक्षा करती है, करते हैं, परमेश्वर की भेड़ों की रखवाली करते हैं, उनके लिए ही, उनके लिए दिया जाने वाला है, उनके लिए दिया जाने वाला है। तो इस प्रकार की उसका विवरण मैं प्रभु चाहे तो अगले दिन में दूंगा। तो ये इसके बाद अब मुझे और संगतियां हैं, नहीं तो हम लगातार बैठ सकते थे। तो उसमें हमको ये बात आनंद की है, सेवकाइयों में सबसे कठिन सेवकाई पास्टर की सेवकाई है, सबसे कठिन सेवकाई पास्टर की सेवकाई। लेकिन सबसे कठिन सेवकाई के लिए सबसे उत्तम मुकुट भी प्रभु तैयार करके रखा है। इसलिए खुदा के खादिमों, कभी भी प्रभु की सेवकाई से पीछे न हटना। जिंदगी में परेशानियां आएंगे, चुनौतियां जरूर होंगे, लेकिन हमें मिलने वाले उस महिमा की मुकुट की तरफ में हमारे नजर रखते हुए हमें जय के साथ में आगे बढ़ते जाना है। प्रेज द लॉर्ड। तो अवश्य ही आइए अपनी जिंदगी को हम समर्पित करें कि हमारे जीवन में और भी प्रतिफल है, उसके बारे में प्रभु चाहेंगे तो हम कल देखेंगे। आज मैं यहां समाप्त करता हूं। इसलिए तो हम एक बड़ा प्रतिफल है हमारे लिए, उस पर नजर रखते हुए यहाँ की सारे कष्ट घाटा सब सहते हुए आगे बढ़ते जाएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करें।